हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी चैनल से कैमरा भी क्या क्या देख लेता है। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाइस, करामाती कैमरे का कमाल आप कई बार देख चुके होंगे, कई बार आप इसमें न जाने कितने ही मजेदार मोमेंट्स को एंजॉय भी कर चुके होंगे। तो चलिए कुछ ऐसे ही और इंसिडेंट्स आपको दिखाते हैं जो गलती से कैमरे में रिकॉर्ड हो गए या फिर जानबूझ के ना कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। भैया, मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी प्रेजेंट्स अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा का नेक्स्ट पार्ट। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। दोस्तों, ये नजारा यूपी के फतेहाबाद का है, जहां दो किसानों को थाने में बंद कर दिया गया, जिसको लेकर किसान थाने में इकट्ठा हो गए। लेकिन यहाँ सबकी नजरें सिर्फ एक किसान पर टिकी हुई थी, जो अपने गाय को लेकर थाने में पहुंचा था, और उसका कह रहा था कि जब तक उन किसानों की रिहाई नहीं होगी, वो तब तक यहाँ अपने सारे जानवर एक एक करके लाता रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, किसान की इस हरकत को देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने उन दोनों किसानों को जमानत पर रिहा कर दिया। यार, किसानों का प्रदर्शन जारी है, क्या आप किसानों के साथ हैं? नीचे कमेंट करें। अगर मेरे विचार आपसे मिलेंगे तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक हार्ट। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी के लिए पुलिस को बुलाने की नौबत आ जाएगी? What? तो आपको बता दें, घटनाएं हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां 2 मिनट में मैगी ना मिलने पर एक टूरिस्ट रेस्टोरेंट के मालिक और उसके कर्मचारी से बढ़ गया। टूरिस्ट ने यहाँ पर देखते ही देखते हंगामा खड़ा कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि इसमें पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ गया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद पुलिस टूरिस्ट को और किसान को रिपोर्टिंग रूम में ले गई। टूरिस्ट ने बताया कि भाई साहब, उन्होंने यहाँ पूरा बिल भरा था, उसके बावजूद भी उन्हें सही तरीके से बनी हुई मैगी नहीं मिली। और दोस्तों, काफी देर बाद पुलिस ये मामला शांत करा पाई। और दोस्तों, ऐसा टैलेंटेड आदमी आपने पहले कभी देखा होगा जो हर तरह की गाड़ियों के हॉर्न की आवाज अपने मुंह से निकाल लेता है। भैया, यानी अगर कभी बस का हॉर्न खराब हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माचे है ना। आनंद बस का हॉर्न बजाओ, आनंद राणा बस का हॉर्न बजाओ, पटना वाला बस का हॉर्न बजाओ। इस वीडियो क्लिप को पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, आजकल आपने अक्सर लोगों को शादी की 25वीं 50वीं सालगिरह मनाते हुए देखा। इस कड़ी में जरा इस बुजुर्ग कपल को शामिल कर लीजिए, जो अपनी शादी की 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। दरअसल ये 87 साल की रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर BD श्रीवास्तव और उनकी पत्नी लक्ष्मी श्रीवास्तव है। दोनों, यहाँ खास बात यह है कि इनकी सालगिरह से जिला अस्पताल के कर्मचारी बेहद खुश हैं, और इसकी वजह है कि ये 20 ऑक्सीजन सिलेंडर जो इस बुजुर्ग कपल ने अस्पताल को दान में दिए, और इनके बेटे राजीव ने अमेरिका से ऑनलाइन इस अस्पताल के लिए भेजे। भैया, और दोस्तों, अब आप देखने वाले हैं चलती गाड़ी से चोरी करने का अनोखा अंदाज, जहां ये चोर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक पिकअप से दिन दहाड़े सामान चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कैसे एक चोर पिकअप के पीछे लटका हुआ है। तो दो बाइक पर सवार है, पिकअप वाला चोर बड़े शातिर तरीके से गाड़ी का त्रिपाल काटकर इसमें से बॉक्स चोरी करके बाइक पर बैठे अपने साथियों को दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नजारा कैमरे में कैसे कैद हो गया, तो आपको बता दें कि भैया, इनके पीछे चलने वाले एक बाइकर ने पूरा वाक्य अपने कैमरे में कैद कर लिया है। और देखिए, जैसे ही थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है, वैसे ही तीनों चोर यहाँ से फरार हो जाते हैं। और दोस्तों, ये कुल्लू के भुंतूर खोखड़ के रहने वाले सोनू ठाकुर, और ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक कमाल के स्नेक कैचर है, जो ना सिर्फ सांपों से लोगों की जान बचाते हैं, बल्कि घायल सांपों का इलाज करके उनकी भी जान बचाते हैं। इन्होंने अब तक करीब 575 सांप पकड़ कर नजारे कितने लोगों की जान बचाई। भैया, सोनू का बचपन से ही सांपों को पकड़ने का शौक था, और बड़े होते ही इन्होंने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। आप भी देखिए, सांप कहीं भी छिपे हो, उन्हें ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे कोई रस्सी के वो घर के किसी कोने से खींच कर निकाल लेता हो। वहीं ऐसे में अगर उन्हें कहीं भी घायल सांप मिलता है तो वो उसकी मरम्मट्टी करते हैं, उसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। दोस्तों, सांपों से लोगों की रक्षा करने वाले और सांपों का इलाज करके उन्हें जीवन दान देने वाले सोनू का वाकई तारीफ है। दोस्तों, जब भी किसी की बारात जाती है तो उसमें बाराती शानदार कारों में हाथी घोड़ों और बसों में नजर आते हैं। लेकिन जरा यूपी के देवरिया की इस बारात को देखकर भैया गौर फरमाइए, ये बारात लग्जरी कार हाथी घोड़े में नहीं बल्कि बैलगाड़ी में रवाना हुई है। क्या बात है, अनोखी शादी इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो गई। जिसने भी बैलगाड़ी बारात देखी वो देखता ही रह गया दोस्तों। और दोस्तों, इस बच्चे का ये प्यारा वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उर्दू में कुछ गा रही है, लेकिन वहीं दूसरा इंसान इसे 50 रुपए देकर इसका पेन लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बच्चे को गुस्सा आ गया, और देखिए कैसे गुस्से में उसने अपनी चप्पल उतार कर उस इंसान की पिटाई शुरू कर दी। और ये वीडियो दोस्तों
जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर बूढ़ी दादी से मिलने आया था और वो इनसे ऐसे मिल रहा था जैसे इसकी दादी से पुरानी जान पहचान। वो इनके गले लग रहा था, इनके बाल चला रहा था। दरअसल दोस्तों ये बंदर इनकी छत पर अक्सर आया करता था और ये बूढ़ी दादी भी वहां बैठती थी, लेकिन कुछ दिनों से दादी बीमार होने की वजह से छत पर नहीं जा पा रही थी, तो वो घर के अंदर आ गया और बूढ़ी दादी से गले लिपट गया और बच्चों की तरह उन्हें प्यार करने लग गया। दोस्तों क्या किसी को शादी करने की इतनी जल्दबाजी हो सकती है कि वो गुस्से में पंडित या मौलवी पर बरस जाए। दरअसल इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी में देरी से पहुंचने पर दूल्हे को मौलवी पर काफी गुस्सा आ रहा था। दोस्तों आप भी देखिए इस दूल्हे का गुस्से में क्या हाल हो रहा है। मुझे बताओ क्या एक घंटे से मैं भौंक रहा हूँ ना, तो मुल्ला जी का पता ना वो हम बात करने में लग रहे हैं। अबे भाई इतने गुस्से वाले आदमी, कैसा आदमी है ये, मैनर्स नहीं है क्या बिल्कुल भी। काम शादी है, लेकिन बता दे शादी तो आप है, लेकिन खास बात ये है कि शादी पुलिस थाने में हो रही है। दरअसल दोस्तों ये एक प्रेमी जोड़ा है जिसमें आपस में अनबन हो गई थी। लड़की की शिकायत थी कि उसका पति दूसरी शादी करने वाला है, जिसके बाद दोनों को थाने बुलाया गया और दोनों की शादी करवाई। बहुत सही। दरअसल दोस्तों ये दोनों बिना शादी के एक साथ रह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए इनकी ऑफिशियल शादी करवा दी। इतना ही नहीं दोस्तों, शादी में पुलिस वाले बराती बने और ढोल नगाड़ों के साथ थाने में इनकी बारात निकली। दोस्तों कोरोना काल में मास्क ना पहनने पर आपने कई लोगों को अजीब अजीब बहाने बनाते देखा होगा, लेकिन जो नजारा हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप भी हंसे वगैरह नहीं रह पाएंगे। दरअसल घटना उत्तराखंड के पौड़ी की है, जहाँ एक महिला बिना मास्क के पकड़ी गई तो अजीब और गरीब ड्रामा शुरू कर दिया। महिला ने गुरु ऐसा ड्रामा किया कि लगा कि उस पर देवी सवार हो गई। महिला की ऐसी हरकत देखकर पुलिस वाले भी समझ में नहीं आ रहे थे कि भैया आखिर इसे हुआ क्या है। महिला अपने बालों को नोच रही थी, अजीब अजीब बातें कर रही थी। वैसे जुर्माने के बचने का ये सबसे अच्छा तरीका था। बकवास है, आपके पास भी पुलिस से बचने का वो खड़ी है लेडी कांस्टेबल, दो थप्पड़ मारती होश में आ जाते हैं। चलता है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं चलता है। और चलती मेट्रो में दोस्तों अगर कोई जानवर आ जाए तो डर के मारे सबका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन जब ऐसे में दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में बंदर मेट्रो का सफर करता दिखाई दे तो लोग इस नजारे को एंजॉय करते नजर आए। बंदर पूरी मेट्रो में इधर से उधर टहल रहा था। बताया जा रहा है कि बंदर एक दिन पहले यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से शाम को करीब 4:45 पर घुसा था। इस दौरान इसने मेट्रो में किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लोगों ने मेट्रो के अंदर बंदर होने की सूचना मेट्रो स्टाफ को दी, जिसके बाद बंदर को अगले स्टेशन इंद्रप्रस्थ पर मेट्रो से बाहर निकाला गया। दोस्तों अब जरा यह खूबसूरत नजारा देख लीजिए, चाइना का है। बता दें दोस्तों ये चाइना का ड्रैगन बॉल फेस्टिवल है, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि इस फेस्टिवल के लिए कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, या इतनी सारी बोट को एक साथ मिलाकर एक ड्रैगन जैसे दिखाना होता है। क्या बात है, कमाल का नजारा भैया। दोस्तों ये हैरत अंगेज नजारा भाई देख लो, जहाँ ये इंसान इतना टैलेंटेड है कि अपनी गर्दन करीब 180 डिग्री तक घुमा सकता है, ये वाकई में कमाल है दोस्तों। उल्लू के बारे में अभी तक लगता था कि सिर्फ उल्लू ही अपनी गर्दन घुमा सकते हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो भैया यकीन हो गया कि ये इंसान भी काम कर सकते हैं ये वाला। और दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा कि तब क्या होता है जब आप डांसर बनना चाहते हैं और आपकी मॉम आपको म्यूजिशियन बनाना चाहती है। दरअसल दोस्तों ये कोई स्टेज नहीं है, दरअसल ये एक बड़ा सा पियानो है, जिसे लोग डांस करते हुए कभी पैर तो कभी हाथ से बजा रहे हैं। ये पियानो एक इटालियन स्कूल ने बनाया। दोस्तों इंसान है जानवर, जब उन्हें भूख लगती है तो किसी भी कीमत पर अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे इस कबूतर को देख लो, जिसे शायद जोरों की भूख लगी है और ये अपना खाना किसी के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। पहले यहाँ इसका खाना खाने के लिए एक चूहा आता है, तो उसे चोंच मार के भगा देता है। चूहा चला जाता है तो यहाँ गिलहरी आ जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन आखिर में इस पर एक बंदर का कब्जा हो जाता है। बेचारा कबूतर आखिर बड़े जानवर से हार गया। और दोस्तों ये नजारा भी देख लो, जहाँ बाढ़ के पानी में ये बस आराम से चली जा रही थी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर बस इस पानी में डूब क्यों नहीं रही है, बल्कि इसमें आराम से तैर रही है। तो देखिए इसमें बैठी सवारियाँ भी काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है। यहाँ किसी को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है। दोस्तों फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही, लेकिन हम हर रोज ऐसे मजेदार कंटेंट अपलोड करते हैं, इसलिए नए व्यूअर्स अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म। वाकई भाई बस मतलब आराम से चल रही है, मे बी वाटरप्रूफ बस हो अंदर, मतलब पानी ना भर रहा हो, और नीचे शायद बोटिंग का कुछ सिस्टम हो, तभी ऐसा हो सकता है। इतने पानी में बस का पहली बात तो चलना नामुमकिन सा लगता है ना। ऊपर से लोग एकदम परफेक्टली सूखे बैठे हुए हैं, कोई किसी के पर पानी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। एक मुझे उस वीडियो पे बहुत गुस्सा आई, मतलब वो वीडियो पे क्या, उस वीडियो में जो लोग थे, वो चोर जो
मतलब पीछे से पिकअप के पीछे से काट के, है ना, तिरपाल काट के और उसके बाद चोरी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। दिन दहाड़े ऐसे चोरी कर रहे हैं और बाद में पता है क्या होता है, फिर मालिक जो होता है ना वो भी पिकअप वाले पे छोड़ देता है, कस्टमर भी पिकअप वाले को मतलब ड्राइवर को उसी को ऐसे दोषी ठहराता है और उस बेचारे को अपनी जेब से भरने पड़ जाते हैं। सोचो यार कितना गलत होता है। एक वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो सांप वाली, है ना, सोनू जी वो सांपों को बचा भी रहे थे, लोगों को सांपों से बचा रहे थे और सांपों को भी लोगों से बचा रहे थे। सांप जो होते हैं एक्चुअली बंद जगह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अंधेरी बंद दबी हुई जगह में, लाइक जंगल में जो लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, है ना, मोटे मोटे लॉग्स पड़े रहते हैं उनके नीचे या बिल में, है ना, ऐसी जगह रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब पता है ह्यूमंस के बीच में जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। लाइक ये देखा, यहाँ पे हम लोग ने बंदर देखा और काफ़ी ऐसे ऐसे जानवर थे जो बीच पॉपुलेशन में थे, है ना, बीच लोगों के थे। लोगों के बीच में आने का इनका सिर्फ एक ही कारण है, ये लोगों के बीच में आना नहीं चाहते, ठीक है, बहुत मज़ा नहीं आ रहा है इन्हें लोगों को परेशान करके या लोगों के बीच में आने से, क्योंकि जंगल इतने ज़्यादा कट गए हैं जिसकी वजह से इन्हें बेचारों को ह्यूमंस के बीच में आना पड़ रहा है, इंटरफेयर करना पड़ रहा है। भाई तुम अपने रहने की जगह बनाने के लिए जंगल काट रहे हो तो वो भी तो अपनी रहने की जगह ढूंढेंगे, है ना, वो भी तो इसी मदर नेचर का हिस्सा हैं। या ज़िंदगी में बस तुम्हें ही रहना, मतलब पूरे धरती पर बस तुम्हें ही रहना है, बाकी कोई जानवर नहीं रह सकता, बाकी कोई मतलब जीव यहाँ पे नहीं पलेगा, और अगर जीव ख़त्म हो गए ना तो मुश्किल तुम्हारे लिए हो जाएगी। कितनी सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन लोगों का उस पर ध्यान ही नहीं जाता है, उस पर कभी सोचते ही नहीं है। भाई अपना ही वंश बढ़ाने में लगे रहते हैं ना, दो बच्चे, चार बच्चे, आठ बच्चे, इतने बच्चे करने हैं जब तक लड़का ना हो जाए, और लड़का भी हो जाए तो उसका भी एक साथी चाहिए उन्हें। मतलब कई बार ऐसा देखा है कि हाँ जोड़ा हो जाता तो बढ़िया रहता, लड़के का जोड़ा। इतनी तेज गुस्सा आती है साला, यहाँ खाने को, पहनने को, रहने को जगह नहीं है, ठीक है, खुद भीख मांग के खा रहे हैं, लेकिन दो चार मतलब आठ दस बच्चे ऐसे पैदा कर लेंगे जैसे ये फ्री फंड के हों, है ना, मतलब भगवान का प्रसाद और अल्लाह की नेमत बोलकर इन्हें मतलब ये ऐसे बच्चे पैदा करते रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्हें पालने में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं। फिर दूसरी बात कि जो मजदूर परिवार होता है, ठीक है, अगर मजदूर परिवार है और अगर वो पांच छह बच्चे पैदा कर रहा है तो उन बच्चों की ज़िंदगी भी मजदूरी में ही कट जाती है। मतलब ये तुम क्या अपना मतलब पुश्तैनी तुम्हारा कोई कारोबार है जो अपने बच्चों को सौंप रहे हो, तो ये चीज़ होता है यार। बात कहीं की कहीं चली जरूर जाती है, लेकिन ये चीज़ें ना आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ऐसे नहीं होता है, ये जो पूरी सृष्टि है ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।